आपके पास इस प्रकार का कोई भी टेबल पंखा आता है जिसके अंदर 6 वायर है, तो आज मैं आपको इन वायर की पहचान बताने वाला हूँ कि कौन सा कैपेसिटर के वायर है, कौन सा मेन वायर है और कौन से स्पीड के वायर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पंखा है इसके अंदर जो रेड और वाइट वायर है ये दोनों आपको कैपेसिटर के साथ लगाने, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रेड और जो वाइट वायर है इन दोनों को यहाँ पे कैपेसिटर के साथ जोड़ा। और इसके बाद यहाँ पे जो ग्रे वायर है वो यहाँ पे इसका मेन वायर है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरे जो 3 वायर है जो कि ब्लू, ब्लैक और येलो, ये तीनों स्पीड के है। इसमें येलो जो वायर है वो सबसे हाई स्पीड है, उसके बाद ब्लू मीडियम है और उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैक वायर है वो सबसे कम स्पीड वाला है जो कि 1 नंबर के लिए है। और इसके बाद यहाँ पे जो ब्लू वायर है वो 2 नंबर और जो 3rd नंबर है उसके लिए येलो है, जो कि तीनों स्पीड के वायर है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास कोई भी 6 तार वाला पंखा आता है तो इस वायर के जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेन वायर है वो यहाँ पे ग्रे कलर है और बाकी जो 3 वायर है वो यहाँ पे स्पीड के है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।